अनेक भाग्यशाली मने करछि मेरे लिए ये बहुत सुखद है कि आज जब देश आजादी का अमृत मना रहा है तब मैं जंगल महल की इस पवित्र धरती पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। ऋषि निवारण चंद्र, मानभूम केसरी अतुल चंद्र घोष, मानभूम जननी लावण्या प्रभा घोष की इस कर्म भूमि को मेरा शत शत प्रणाम। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, अनेक वीर ऐसे राष्ट्र नायकों को मैं आज आदरपूर्वक नमन करता हूं, उन महापुरुषों को वंदन करता हूं। ये धरती भगवान राम और मां सीता के वनवास की भी साक्षी रही है। ये ऐसी धरती है जहां अयोध्या पर्वत है, सीता कुंड है। इतना ही नहीं, अयोध्या नाम से ग्राम पंचायत भी है। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए, तब पुरुलिया में भूजल की क्या स्थिति रही होगी। और ये विडंबना है कि आज पुरुलिया में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। यहां के किसानों को, मेरे आदिवासी वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से खेती कर सकें। यहां की महिलाओं को पीने के पानी के इंतजाम के लिए बहुत दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। पहले वामपंथियों की सरकार और फिर टीएमसी सरकार ने यहां पर उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए। फिर यहां जितना सिंचाई के लिए काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। कम पानी की वजह से पशुओं को पालने में जो दिक्कत होती है वो भी मैं भली भांति जानता हूं। खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़कर टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में ही लगी रही। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है जल संकट से भरा जीवन। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है पलायन। इन लोगों ने पुरुलिया के गरीबों को दिया है भेदभाव भरा शासन। इन लोगों ने पुरुलिया की पहचान बनाई है देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में। ये लोग कैसे काम करते हैं इसका बहुत बड़ा उदाहरण है पुरुलिया पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट।
8 साल हो गए, ये अब तक अधूरा पड़ा है। साहेब बांध सरोवर की स्थिति भी आपके सामने है। यहां के किसानों को, यहां के लोगों को इसका जवाब कौन देगा? दीदी, दीदी, ये लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। जवाब मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो? दीदी ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दीदी ने अपना काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे दीदी, बोछोरेर पोर बोछोर धोरे एकटा सेतुओ तैरी करते पारलो ना तृणमूल। এখন বলছে উন্নয়নের কথা। আর ইসলিয়ে আজ মেয়ে পুরুলিয়াকে লোগো কো পুরে জগল মহল ক্ষেত্রকে লোগো কো বিশ্বাস দিলানে কে লিয়ে আয়া হু। বঙ্গাল মে भाजपा सरकार बनने के बाद आपकी इन दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी, एक दिल्ली का इंजन और दूसरा बंगाल का इंजन, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहां विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान बनेगा। यहां पुरुलिया में तो टूरिज्म की भी इतनी संभावना है, यहां पर हैंडीक्राफ्ट का इतना बेहतरीन काम होता है, इन सभी को बढ़ावा दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र जैसा ही जल संकट देश के अन्य क्षेत्रों में भी रहा है। जहां जहां भाजपा को सेवा करने का मौका मिला, भाजपा सरकारों ने वहां सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछाई, हजारों तालाब बनवाए और आज इन क्षेत्रों में पानी का संकट तेजी से दूर हो रहा है। पानी की उपलब्धता बढ़ी है तो आज वहां के किसान अलग अलग तरह की फसलों को उगाने लगे हैं। अब यही काम बंगाल के उन सभी क्षेत्रों में भी किया जाएगा जहां पानी की दिक्कतें हैं। साथियों, पुरुलिया सहित इस पूरे क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधारना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के हर हिस्से को रेल सेवा से जोड़ना ये हमारी प्राथमिकता है। इस समय पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में करीब 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति दे दी गई है। पूर्वी भारत के विकास को नई बुलंदी देने का सामर्थ्य रखने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक सेक्शन शुरू भी हो चुका है। 2 मई के बाद
दो मई के बाद यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो पश्चिम बंगाल में जो डानकुनी तक का सेक्शन है उस पर भी तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। पुरुलिया भी इस कॉरिडोर से जुड़ेगा और यहां उद्योगों के लिए, रोजगार के लिए अनेक अवसर बनेंगे। रेल के अलावा रोड कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में पश्चिम बंगाल में हाईवे का सिस्टम मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ रुपयों की भी विशेष व्यवस्था की गई है। साथियों, 2 मई के बाद जब यहां भाजपा सरकार बनेगी तो पुरुलिया सहित इस पूरे क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी ताकि लोगों को पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। यहां कृषि आधारित उद्योगों को बल दिया जाएगा ताकि यहां के युवाओं को यहीं पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। दलित, आदिवासी, पिछड़े इलाकों के हमारे युवा भी रोजगार के अवसरों से जुड़ सके, इसके लिए अनेक कौशल विकास पर और ज्यादा फोकस किया जाएगा। यहां के छाऊ कलाकारों, यहां के हस्तशिल्पियों को कमाई और मान सम्मान से जुड़ी दूसरी सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। साथियों, पुरुलिया और जगल महल के सामर्थ्य के साथ हमेशा अन्याय किया गया है। मैं आपका दुख, आपकी तकलीफ दिल्ली में रहते हुए भी भली भांति समझता हूं, इसलिए इसे दूर करने का भरोसा आपको मैं दे रहा हूं। मैं जानता हूं किस तरह यहां के युवाओं का हक तुष्टिकरण के नाम पर आपसे छीन करके, आपके अधिकार का आपके छीन करके किसी और को दे दिया गया। मैं जानता हूं किस तरह ओबीसी समुदाय से आने वाले मेरे अन्य भाई बहनों के साथ यहां पर विश्वासघात किया गया है। मां माटी मानुष की बात करने वाली दीदी को अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वनवासियों के प्रति ममता होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। यहां तो दीदी की निर्मम सरकार ने माओवादियों की एक नई नस्ल बना दी है जो टीएमसी के माध्यम से गरीबों का पैसा लूटती है, गरीबों के हकों को लूटती है। पूरा बंगाल जानता है कोयला माफिया, बालू माफिया, इन लोगों को किसका संरक्षण मिला हुआ है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए दीदी की सरकार
माओवादी हिंसा को भी बढ़ावा देती है और इन सब का नुकसान उठाना पड़ता है आपको, मेरे गरीब भाइयों बहनों को, मेरे नौजवानों को, मेरी माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को, यहां के बच्चों को। और इसलिए आज बंगाल की जनता कह रही है, आज बंगाल की जनता कह रही है, एक एक बंगाली कह रहा है, अत्याचार अनेक करे छोड़ दीजिए, भय देखानो तोमार अस्त्र, रुखे दाड़ाबे बार বাংলার মানুষ মা দুর্গার আশীর্বাদে করবে তোমায় পরাস্ত। ভাই আর বহনো, আপকা ইয়ে উৎসাহ দিখা রহা হ্যায় কি টিএমসি কি পরাজয় তয় হ্যায়, তয় হ্যায় না, तय है ना। इस बार बंगाल में सिंडिकेट वालों की पराजय होगी, इस बार बंगाल के चुनाव में कटमनी वालों की पराजय होगी, इस बार बंगाल के चुनाव में तोलबाजों की पराजय होगी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं और ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वो कह रही है खेला हो गए, जब जनता की सेवा की प्रतिबद्धता हो, जब बंगाल के विकास के लिए दिन रात एक करने का संकल्प हो, तो दीदी खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता। और इसलिए दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले चाकरी हो गए, दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले विकास हो गए, दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले शिक्षा हो गए, दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले महिला देर उत्थान हो गए, दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले युव शक्ति संपूर्ण विकास हो गए, दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले सोमार पाका बाड़ी हो गए, दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले प्रत्येक घरे कौन हो गए और बोले परिष्कार जो हो गए, दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले ग्रामे ग्रामे जोनों सुविधा हो गए,
दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले अस्पताल होवे, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले स्कूल होवे, दीदी स्कूल होवे, दीदी ओ दीदी বাংলার ভাই বোনেদের চিন্তার খেলা আপনি দশ বছর খেলেছেন, খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद, ये बंगाल का मिजाज है। साथियों, साथियों, दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी है, लेकिन दीदी ये भूल रही है कि इस बार खुद बंगाल की जनता उनके विरोध में खड़ी है। 10 साल का विश्वासघात, 10 साल की दुर्नीति, इसकी सजा अब बंगाल के लोग इस चुनाव में उन्हें दे करके रहेंगे। कोलकाता की ब्रिगेड रैली के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है। 10 साल के तुष्टीकरण के बाद लोगों पर लाठियां डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली बदली सी दिख रही है। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। ये बंगाल की जनता की नाराजगी है जो दीदी से सब कुछ करवा रही है। दीदी आप ये सब करते रहिए, हर तरह से खेलते रहिए, लेकिन ये मत भूलिए कि बंगाल की जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है। बंगाल की जनता को याद है कि गाड़ी से उतरकर आपने कितने लोगों को डांटा फटकारा है और पुलिस को कह रहे थे पकड़ो जेल में डाल दो। तुष्टीकरण के लिए आपकी हर कार्रवाई बंगाल के लोगों को याद है। साथियों आप आपको याद है ना, दीदी के सारे कार्य में याद है ना, बंगाल की जनता को याद है जब आपने देश की सेना पर तख्ता पलट की कोशिश का आरोप लगाया, जब पुलवामा हमला हुआ तो आप किसके साथ खड़ी थी, ये भी बंगाल के लोग भूले नहीं। 2-3 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है।
इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बंगाल में घुसपैठ को हवा देने के पीछे भी वजह एक ही है, तुष्टीकरण, वोट बैंक की सियासत। देश को वंदे मातरम का पाठ पढ़ाने वाली इस पवित्र धरती पर दीदी के इस व्यवहार की उम्मीद किसी को नहीं थी। इसलिए बंगाल के लोग बहुत पहले से मन बना चुके हैं। बंगाल के लोग बहुत पहले से कह रहे हैं लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। लोगों का ये इरादा देख दीदी अपनी खींच मुझ पर निकाल रही है, वो क्या क्या नहीं कह रहे, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी भड़की हुई है। लेकिन हमारे लिए तो देश की करोड़ों बेटियों की तरह दीदी भी भारत की एक बेटी है, जिनका सम्मान हमारे संस्कारों में रचा बसा। और इसलिए जब दीदी को चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनके पैरों की चोट जल्द से जल्द ठीक हो। भगवान के प्रार्थना कोरी आपनी शीघ्र ही सुस्त हो उठे। साथियों, पश्चिम बंगाल तभी प्रगति कर सकता है जब विकास प्रक्रिया में सभी साझेदार एक साथ आ सके। लेकिन दलित दीदी ने बंगाल के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वनवासियों को कभी अपना साझेदार माना ही नहीं। बीते 10 सालों में कट, कमीशन और तोलाबाजी कल्चर का सबसे बड़ा नुकसान बंगाल के गरीब, बंगाल के दलित, बंगाल के वंचित, बंगाल के आदिवासी को ही हुआ है। यहां जो लाखों गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, उसमें भी टीएमसी के तोलाबाज हर कदम पर अड़ंगा लगाते हैं। केंद्र से गरीब के लिए सस्ता चावल भेजा जाता है, उसको भी टीएमसी के तोलाबाज नहीं छोड़ते। बीते साल कोरोना के समय जब महीनों तक मुफ्त चावल और दाल का प्रबंध किया गया, तो दीदी के तोलाबाजों ने उसमें भी घोटाला कर दिया। साथियों, आप याद करिए,
जब अम्फान साइक्लोन आया और बंगाल की जनता राज्य सरकार की ओर उम्मीद लगाए देख रही थी, तो दीदी ने क्या किया था? अगर सहायता राशि चाहिए तो एक हिस्सा पार्टी ऑफिस में जमा करवाइए, अगर नुकसान न भी हुआ हो तो भी आपको सहायता राशि मिल सकती है, बल्कि एक ही शर्त है, पहले पार्टी ऑफिस में पैसे जमा करके आ जाइए। जरा सोचिए, ऐसी आपदा में भी टीएमसी की कटमनी चलती रही। साथियों, इस क्षेत्र के हमारे संथाल भाई बहन, अन्य आदिवासी साथी वन अधिकारों को लेकर, कृषि उत्पादों के सही मूल्य को लेकर कब से मांग कर रहे हैं, लेकिन दीदी ने उनकी बातों पर भी ध्यान नहीं दिया। खेती और वन उत्पादों पर निर्भर रहने वाले हमारे आदिवासी साथियों को ममता दीदी ने अपने हाल पर छोड़ दिया, जबकि भाजपा सरकार कहीं भी हो, केंद्र में हो या राज्य में, आदिवासी हितों की रक्षा, उनके बच्चों का कल्याण, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता में रहा है। साथियों, ये अटल जी की ही सरकार थी जिसने आदिवासी हितों की रक्षा को और उनके कल्याण के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया था, आदिवासियों का अलग मंत्रालय। आदिवासी हितों के लिए केंद्र सरकार ने अलग बजट बनाया, अनेक योजनाएं शुरू की गई है। बंगाल में 36 लाख से ज्यादा उज्ज्वला के गैस कनेक्शन दलित, आदिवासी और पिछड़े परिवारों को मिले हैं। वन उत्पादकों की एमएसपी बढ़ाने के साथ ही हमारी सरकार ने वन उपज की संख्या में भी वृद्धि की है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में भी आदिवासी क्षेत्रों की पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने दलित परिवारों, एससी परिवारों के बच्चों को पढ़ाई और कमाई के बेहतर अवसर देने के लिए आर्थिक मदद बहुत ज्यादा बढ़ाई है। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसका लाभ बंगाल के लाखों दलितों, लाखों मेरे आदिवासी बच्चों को भी होगा। आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सैकड़ों एकलव्य स्कूल खोले जा रहे हैं। यहां का एकलव्य स्कूल भी गरीब आदिवासी बच्चों का भविष्य बनाने के लिए काम करेगा। स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी महापुरुषों ने योगदान का गौरवगान, उनके त्याग, तपस्या और बलिदान का गौरवगान, इसको आने वाली पीढ़ियां याद रखे, आदिवासी वीर पुरुषों को याद रखे, इसलिए उनके म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, युवाओं को रोजगार यहां बनने वाली भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होगा। यहां की भर्ती परीक्षाओं में जो खेल टीएमसी सरकार ने खेले हैं, वो सारे खेल बंद किए जाएंगे। जो युवा जो शिक्षक परीक्षा देने के बाद बरसों से इंतजार कर रहे हैं, उनकी मुश्किलें भी दूर की जाएगी। राज्य सरकार में जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर है, सभी की स्किल और ज्यादा बढ़े, वो और अच्छी तरह से बंगाल के विकास में योगदान कर सके, इस पर भी बहुत जोर दिया जाएगा।
राज्य सरकार के जो बाकी कर्मचारी हैं उन्हें भी ममता सरकार द्वारा अनेक सुविधाओं और मानदेयों से वंचित रखा गया है। भाजपा सरकार में ये सारी विसंगतियां दूर की जाएगी। साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुनीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। यहां आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। यहां किसानों के बैंक खातों में हजारों रुपए जाने से क्यों रोक दिया गया? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। अब आप ही बताइए साथियों, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बंगाल का विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बंगाल के नौजवानों का भविष्य चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बंगाल के आदिवासियों का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बस आपका यही जोश हर सिंडिकेट, हर टोला बाज का होश उड़ा रहा है। और इसलिए दीदी को आपके जनधन बैंक खातों से डर लगता है। बंगाल में खुले करोड़ों जनधन खाते, आपका हक आपको ही मिले इसकी गारंटी है। दीदी 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 चांद चोरी खेला चलते थाको, आमरा चाहिए खेला शेष हो। और इसलिए आज पुरुलिया के लोगों का, जगल महल का, बंगाल का दीदी को संदेश साफ है, चूरी खेला छोलबे ना छोलबे ना। मेरे साथ बोलिए, चूरी खेला छोलबे ना छोलबे ना, चूरी खेला चूरी खेला चूरी खेला। अरे दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, चूरी खेला चूरी खेला। साथियों, आपकी एक गर्जना बताती है कि दीदी सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बंगाल के भ्रष्टाचार से, कुशासन से मुक्त होने का समय आ गया है। क्या हालत बना दी है दीदी ने बंगाल की? क्राइम है, क्रिमिनल है, लेकिन जेल में नहीं है। माफिया है, घुसपैठिए है, लेकिन खुलेआम घूम रहे हैं। सिंडिकेट है, स्कैम है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। साथियों, आज मुझे वो परिवार आशीर्वाद देने आए हैं जिन्होंने दीदी के अत्याचारों को सहा है, किसी ने अपने को खोया है, परिवार के लोग शहीद हो गए हैं। ये पुरुलिया के वो परिवार है जिन्हें दीदी के विरोध की सजा दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। इनके परिवार के नौजवानों को फांसी पर लटका दिया गया, गोलियां मार करके निर्ममता से हत्या कर दी गई। खुलेआम ये धमकी दी गई कि बीजेपी का साथ दोगे
तो यही होगा। ये किस तरह का राज चला रही हैं आप दीदी। अभी कल रात ही 24 उत्तर प्रगना में कई जगहों पर बमबाजी हुई है, बम फेंके गए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। ये स्थिति ठीक नहीं है, ये बदले की ये हिंसा, ये अत्याचार, ये माफिया राज और नहीं चलेगा। मैं स्थानीय प्रशासन से भी कहूंगा, बंगाल की पुलिस से आग्रह करूंगा, संविधान को सर्वोपरि रखे, लोकतंत्र को सर्वोपरि रखे। मैं बंगाल के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हर भाजपा कार्यकर्ता को विश्वास दिलाता हूं, 2 मई को बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर अत्याचारी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बीजेपी की सरकार में कानून का राज फिर से स्थापित किया जाएगा। क्रिमिनल, माफिया और भ्रष्टाचारी को कानून जेल के हवाले करके रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लिए जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। 130 करोड़ देशवासी, यही हमारे परमात्मा है। उनकी प्रतिष्ठा, उनका पराक्रम, उनकी सेवा के लिए हम जी जान से जुटे हैं। हम रामकृष्ण परमहंस की सीख को जीवन में उतारने वाले रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा था, जीव में ही शिव को देखो। हम जीव में ही शिव को देख करके 130 करोड़ देवता रूप देशवासियों की सेवा करने में लगे हुए हैं। हम सबको मिलकर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्वों के सपनों को, उन सपनों को साकार करते हुए सोनार बांग्ला का फिर से निर्माण करना है। वो सोनार बांग्ला जहां बंगाल के स्वर्णिम गौरव का समावेश होगा और आत्मनिर्भर का सामर्थ्य होगा। वो सोनार बांग्ला जहां हर गरीब, मजदूर, आदिवासी, किसान भाई बंधु एक सम्मानित जीवन जिए। वो सोनार बांग्ला जहां की मां, बहन, बेटी सब सुरक्षित और भय मुक्त रहे। वो सोनार बांग्ला जहां के युवाओं के पास शिक्षा और रोजगार के भरपूर अवसर हो। वो सोनार बांग्ला जहां उद्योगों की कोई कमी न हो। वो सोनार बांग्ला जहां तोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट जैसे भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह न हो। वो सोनार बांग्ला जहां गुंडे, अपराधी, उग्रवादियों की जगह जेल में हो, सड़कों पर न हो। वो सोनार बांग्ला जहां सबके पास एक आवास हो, हर घर सब जाल पहुंचे, आयुष्मान भारत का साथ रहे। आज पूरा बंगाल हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इसी सोनार बांग्ला के पुनर्निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है। मैं देख रहा हूं बंगाल की यह धरती सोनार बांग्ला का अब और इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए अब यह तय हो गया है 2 मई दीदी जाचे, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी जाचे, 2 मई दीदी जाचे,
डोमई दीदी जाच्छे आसल परिवर्तन आच्छे आसल परिवर्तन आच्छे इस बार भय नहीं सिर्फ जॉय भय नहीं सिर्फ जॉय पश्चिम बंगाल मानुषेर जॉय इस बार जोर से छाप कमल छाप इस बार जोर से छाप कमल छाप आपका एक एक वोट डबल इंजन की ताकत बनेगा कमल छाप पर पड़ा हर वोट आशोल परिवर्तन लाएगा सोनार बांग्ला का निर्माण करेगा बंगाल के एक एक व्यक्ति को याद रखना है ये समय अपनी मातृ की भूमि के लिए कुछ कर गुजरने का समय है ये हमारे बंगाल को कुशासन से मुक्त करने का समय है ये दमनकारी अत्याचारी शासन से बंगाल को मुक्त करने का समय है ये अपने आदर्शों और विचारों के लिए पूरी ताकत लगा देने का समय है आपके पास सुनहरा अवसर है आपने राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का हम बस मंजिल तक पहुंच गए हैं मंजिल तक पहुंच गए हैं आशोल परिवर्तन के संकल्प के साथ हम यहां से अपने गांव अपने घर जाएंगे और घर घर ये संदेश पहुंचाएंगे एक एक परिवार तक पहुंचाएंगे पहुंचाएंगे ना घर घर जाएंगे लोगों को बताएंगे मतदान करवाएंगे कमल खिलाएंगे सोनार बंगला बनाएंगे इसी आग्रह के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 वंदे।